हेलो फ्रेंड, मैं रुचि वर्मा, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आज हम चावल की खीर बनाएंगे। चावल की खीर बनाने के लिए चलिए देखते हैं हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है। चावल की खीर बनाने के लिए हम आधी कटोरी चावल ले रहे हैं। चावल को हमने 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और इसका पानी हमने निकाल के रख दिया है। चीनी आधी कटोरी, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। इलायची पाउडर, चलिए अपने ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। 10 से 15 मखाना, 20 से 25 किशमिश, कसा हुआ नारियल, देसी घी, बादाम, काजू। बादाम और काजू को हमने पानी में भिगो के रख दिया है। 1 लीटर दूध, गैस पे अपना भगोना चढ़ाएंगे। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे। देसी घी हमारा गर्म हो चुका, अब इसमें हम चावल डालेंगे और इसे चला लेंगे। चावल को हमें मीडियम आंच में फ्राई करना है। बीच बीच में इसे हमें चलाते भी रहना है, जिससे हमारे चावल चिपके नहीं। हमारे चावल फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें दूध डालेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर खीर में पानी डाल दो तो चावल में फीकापन आ जाता है, जिससे खीर स्वादिष्ट नहीं बनती है। अब हम इसे चला लेंगे। अब इसमें हम सूखे मेवों को डालेंगे। काजू और बादाम हम थोड़े से बचा लेंगे, इसे हम बाद में डालेंगे। और इसे 20 मिनट के लिए मीडियम आंच में पका लेंगे। बीच बीच में से हम चलाते भी रहेंगे। खीर को पकते हुए लमसम 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम काजू और बादाम को डालेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। हमारी खीर बनकर तैयार है। अपनी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे बाउल में सर्व कर लेंगे। हमारी खीर बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे गर्म भी खा सकते हैं या फ्रिज में रखकर इसे ठंडा करकर भी खा सकते हैं। ये दोनों तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ओके फ्रेंड, बाय।